हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? सब अच्छे, खुश, स्वस्थ, मस्त होंगे। पेपर के थोड़े दिन रह चुके हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। मैं चाहता हूं कि जितने भी पेड कोर्स के अंदर हैं वो सारे के सारे क्लियर हो। उनको मैंने पूरी अच्छी मेहनत से पीडीएफ फाइल्स 2013 से 18 तक के सारे पेपर सॉल्यूशन करवा दिए। 19 का रह गया था, अभी ये 19 का पेपर है। 2019 का पेपर जो 5 मार्च 2019 को हुआ था, पेपर 2018 का था, 5 जनवरी 2019 को हुआ था। पीजीटी मैथमेटिक्स का सोल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 36 है। ये जो लेक्चर रहेंगे वो पब्लिकली रहेंगे सभी के लिए। ये वैसे पेड कोर्स का लेक्चर नंबर 36 है। अगर अभी तक भी किसी ने नहीं लिया, अगर वो लेना चाहता है, तो ये मेरा नंबर है 8053939305। तो इस पर कॉन्टैक्ट करके मेरे से वो कोर्स ले सकता है। आपको प्रीवियस सारी वीडियोस मिलेंगी, सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन मिलेंगे विद उनकी आंसर की मिलेगी, जैसे कि साइकोलॉजी होगी, ठीक है, हिंदी होगी, मैथ, जो भी ये चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी विद प्रीवियस ईयर पेपर मैथ के भी सॉल्यूशन मिलेंगे 91 से 150 तक क्वेश्चन दे 13 से लेकर 19 तक। और साथ ही साथ 10 मॉडल टेस्ट पेपर भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो कि आपकी प्रिपरेशन में और भी ज्यादा चार चांद लगा देगा, मस्त वाली। तो मुझे लगता है कि सारे अच्छे से क्लियर करें। मैंने जितनी मेहनत की है दिन रात यहां खड़े होकर के, आप भी उतनी मेहनत करें। और जो मैंने अभी तक करवाया ना आपको इन 35 लेक्चर के अंदर, वो आज प्रूफ होएगा कि जो पेपर सॉल्यूशन ये करवाऊंगा ना 2019 का, मैं पहले भी करवा सकता था, बट वही है ना कि पहले वो आपको सिलेबस और वो सब चीज़ें गो थ्रू करवाना था, NVS, KVS, DSS, BHTET सारे पेपरों के क्वेश्चन ले लेकर। अब आपके माइंड के अंदर वो सारे सेट है, अब हम डायरेक्ट पेपर पे चलेंगे ना, तो पेपर के अंदर वही चीज़ें जब आएंगी ना आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के अंदर अभी मैं क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करवा रहा हूं, ठीक है। जिन्होंने लेना हो ये कोर्स, ऐसा नहीं है HTET के लिए, आपको DSSP, KVS, NVS सभी के लिए बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन पेपर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी व्हाट्सएप के ऊपर, जो कि 100-150 लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ HTET पीजीटी मैथ के, उनको डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगी। इस सेट नंबर सी है मेरे पास, सेट सी है मेरे पास HTET जो हुआ था आपका 2018 के अंदर, ठीक है, सॉरी 2018 का 19 के अंदर हुआ था। और जो नए लोग हैं, जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, उनको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इस पीडीएफ फाइल को। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं ज्यादा, बड़े बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन लिखूंगा, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बोल के बता दूंगा आपको करने होंगे। सिर्फ क्या बोल रहा है, द स्ट्रेट लाइन L1, L2, L3 आर पैरेलल एंड लाई ओ इन द सेम प्लेन, ठीक है। सेम प्लेन के ऊपर कोई L1, L2, L3 कोई लाइन्स हैं, ठीक है। एक टोटल नंबर ऑफ m पॉइंट आर टेकन इन L1, यहाँ से हम m पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ से हम n पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ से हम k पॉइंट ले सकते हैं। आगे चलिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड विद वर्टिसेस एट दीज पॉइंट्स आर, ठीक है, कितने मैक्सिमम वर्टिसेस बन सकते हैं, सॉरी मैक्सिमम ट्रायंगल बन सकते हैं। ट्रायंगल बनने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, तभी तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। और 3 पॉइंट जरूरी नहीं है, 3 पॉइंट अगर 3 पॉइंट ऐसे हुए तो तब तो सीधी रेखा आ जाएगी, एक ट्रायंगल बना नहीं बना ना, तो मतलब वो जो पॉइंट चाहिए ना वो भी कौन से चाहिए, नॉन कोलिनियर करवाया था ना मैंने बोला था कि एक टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट सर्कल एंड लाइन का, जब मैंने आपको बताया था कि 2 पॉइंट दिए हो उससे एक लाइन खींचनी हो तो कैसे खींचते हैं, मतलब एक लाइन के लिए कितने पॉइंट चाहिए, NC2 मैंने आपको ये फॉर्मूले करवाए थे, NC2। कभी भी मान लीजिए एक पार्टी है, उसके अंदर बहुत सारे आदमी हैं और एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो दो बंदे एक हाथ मिल रहा है, तो उसमें भी NC2 निकालना था। 11 जैसे 12 पर्सन है, तो हर कोई हाथ मिला रहा है तो कितने बार हाथ मिलेंगे, तो 12C2 मेरा आंसर आता था। इसको शॉर्टकट ट्रिक बताई थी कि डायरेक्ट सोल्व करने का भी, 12 को 2 तक ले जाओ, 12, 11, 2, 1, यहाँ से 6, 66 आता है। ये फेमस क्वेश्चन है KVS का, ठीक है, बहुत बार पूछा गया। तो ऐसी चीज़ें मैंने आपको करवाई थी, 2 पॉइंट है तो NC2, 3 पॉइंट है तो क्या लेते हैं NC3, ठीक है। जब मेरे पास n नंबर ऑफ पॉइंट्स हो, मान लो 50 पॉइंट है, NC3 ले लेंगे, तब ये मेरे कितने बनेंगे, इतने ट्रायंगल बनेंगे, कितने ट्रायंगल। बट इसके अंदर भी एक लोचा है, क्या है, इसके अंदर अगर ये पॉइंट नॉन कोलिनियर है तब ये बात है, अगर कोलिनियर पॉइंट आ गए, मतलब एक ही रेखा के ऊपर पॉइंट आ गए, तब मेरा ये ट्रायंगल नहीं बनता, तो वो जो है वो मैं इसमें से माइनस कर देता हूं, MC3 जो मेरे कोलिनियर पॉइंट है उसको मैं माइनस कर देता हूं। इसके अंदर भी ऐसा ही सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको करवाई थी, उसके बाद मैंने आपको कराया था नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, ये सारी चीजें बताने का मतलब यही था कि जो मैंने करवाया था उसी के अंदर से देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे हैंडल, देखिए
अब टोटल जो है मैंने तीन जो है पॉइंट लेने होते हैं एक ट्रायंगल बनाने के लिए, एक यहाँ से M, यहाँ से N, यहाँ से K, मतलब टोटल मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है M, N, K, इतने पॉइंट मैं ले सकता हूँ इसमें 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 से, उसमें से मैंने टोटल कितने लेने हैं, तीन पॉइंट लेने हैं। समझ आ गई, कोई दिक्कत? ठीक है, उसमें से मैंने कितने, तीन पॉइंट लेने हैं एक ट्रायंगल बनाने के लिए। ये तो मैंने, ये मेरी टोटल ट्रायंगल बनी, बट अगर इसमें से कोई तीन पॉइंट ऐसे हुए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हुआ तो वो मैं ट्रायंगल नहीं बना सकता ना, तो वो मुझे अब माइनस करने पड़ेंगे। मतलब एम में कोई भी तीन ऐसे पॉइंट जो कि कोलिनियर है, एन में जो कि कोलिनियर है, के में जो कि कोलिनियर है। कोई दिक्कत आई तो ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्री जो है मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर 91 देख सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं, आपने पेन भी नहीं चलाना था, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है डायरेक्ट कर दोगे। नेक्स्ट टाइम वही बात, अभी ये आया सर्कल का आस्क था, मान लीजिए ऐसा दे दिया कोई दो सर्कल है और एक लाइन है, इसके पॉइंट दे दिए एम, इसके एन दे दिए, इसके के दे दिए। अब वो बोलता है ये कितने पॉइंटों पे मैक्सिमम टेंजेंट बना सकता है या काट सकता है या वो चीज़ें, वही चीज़ें मैंने करवाई हुई हैं, वही चीज़ें तो आपको ये करनी होगी। जो कोर्स लेना चाहते हैं तो वो उनको तो पता ही चल जाएगा, नहीं लेना चाहते तो अपना खुद से कर लीजिए, ठीक है। वो सब चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी आपको इस टाइप के अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं, अब ज़्यादा बोलूंगा नहीं, बोलने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, मुझे लग रहा है 6 मिनट हो चुके हैं एक क्वेश्चन को करवाने में। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स बार 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 रिपीटेशन हो रही है, चाहे आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए एनवीएस केवीएस का, यही ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। साइन इनवर्स दे देगा, कोस इनवर्स दे देगा, कुछ भी दे देगा, टेन इनवर्स, इसके तीन फॉर्मूले होते हैं कि जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू होता है, ऐसे ही टेन प्लस कोट पाई बाय टू होता है, ऐसे ही साइन कोस आ गया, साइन कोस टेन कोट, ऐसे ही सिकेंट कोस सिकेंट पाई बाय टू होता है, ठीक है। अब इनमें से ही घुमा घुमा के देता है, करने की जरूरत थोड़ी है यार, बार बार कितना पढ़ोगे, ठीक है, एक बार पढ़ लिया बस बात खत्म, क्वेश्चन वहीं से बार बार दे रहा है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ये है तो कोस इनवर्स एक्स की वो वैल्यू पूछ रहा है, इन दोनों का एडिशन कितना होता है, अभी मैंने बताया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है पाई बाय टू, तो यहां से साइन इनवर्स की वैल्यू पुट करो पाई बाय फोर, पाई बाय फाइव, यहां वहां जाके क्या हो जाएगी पाई बाय टू माइनस पाई बाय फाइव, फाइव माइनस 2 3 पाई बाय 10 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर जो है 3 मेरा फिर से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 दिख रहे हैं ना साफ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 92, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन पेपर मैं नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा, सेट नंबर मेरे पास सी है, अगर आपके पास कोई और सेट है तो आप क्वेश्चन वहां से मिला करके ना देख भी सकते हैं। अगर पेपर नीचे से लेना है तो नीचे लिंक मिल जाएगा, पेपर भी मिल जाएगा, कोर्स लेना है तो कोर्स भी आप ले सकते हो। देखिए अगला क्या है, द पैडल इक्वेशन ऑफ द कर्व आर की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू साइन थीटा आर, ठीक है, इसके सामने भी तीन ऑप्शन दिए हुए हैं आपको पता होगा। तो ये क्या है, ये एक टॉपिक है छोटा सा, मैं अभी आपको करवाऊंगा आगे, डिफरेंशियल भी करवाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, पैडल हो गया, ये सब चीजें, तो एक बार क्वेश्चन में ही समझ लीजिए। एक पोलर टेंजेंशियल एंगल होता है, ठीक है, जो होता है द पोलर टेंजेंशियल एंगल जो होता है वो शाई इज इक्वल टू एन थीटा होता है, शाई इज इक्वल टू एन थीटा होता है, और यहाँ पे हमारा इसको हम बोलते हैं पी इज इक्वल टू, हम लिखते हैं आर साइन शाई, पी इज इक्वल टू जो पोलर टेंजेंशियल एंगल होता है, शाई इज इक्वल टू एन थीटा होता है, ये हमें पता है, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे ना ये पैडल वाला तो आपको समझ आ जाएगा। और पी इज इक्वल टू आर साइन शाई, अब शाई की वैल्यू क्या है, एन थीटा, यहाँ से पुट कर दो, पी इज इक्वल टू आर साइन एन थीटा आ गई मेरी वैल्यू। अब दिया क्या हुआ है, साइन एन थीटा इज इक्वल टू आर की पावर एन, ये दिया हुआ है, साइन एन थीटा की यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो आप, साइन एन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, पी बाई आर वैल्यू आ गई मेरी साइन एन थीटा की, यहाँ पुट कर दो साइन एन थीटा की पी बाई आर, आर की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन पी बाई आर हो जाएगी, आर की पावर यहाँ चली गई तो क्या हो जाएगी, आर यहाँ चला जाएगा, वन पावर आ जाएगी यहाँ से जाके, समझ आ रही है ना, तो आर की पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है ना, एन प्लस वन इज इक्वल टू ए की पावर एन, ये मेरा आ गया आंसर।
ठीक है, सॉरी यहां पे पी भी पड़ा हुआ है साथ में, तो पी ए की पावर एन इजिकल टू आर की पावर एन प्लस वन, ऑप्शन नंबर मेरा फिर से 3 करेक्ट हो गया। जिन्होंने तुक्का लगाया होगा ना पहला दूसरा तीसरा 3 3 3, उनका तो पक्का ही मजा आ गया, उनका तीनों ही जो है वो सही हो गए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा तुक्के भी अगर लगाने हैं ना 2 और 3 लगाया करो, 1 और 4 मत ज्यादा लगाया करो, 2 और 3 में से ही आंसर होते हैं। देखिए इसका है ऑप्शन नंबर 3 आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 चलते हैं। ऐसे छोटे 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 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे घबरा जाते हो कि यार 17 का पेपर पता नहीं क्या आ गया पहाड़, 18 का पेपर पहाड़ आ गया, कुछ नहीं था। इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 65, कि इसका HCF निकालना है 65 एंड 117 का, ठीक है, ये भी मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताया वो कैसे निकालना है, रिमाइंडर थ्योरम भी करवाई हुई है कैसे निकालनी है, ठीक है, जैसे बार वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिए, ये सारे 35 लेक्चर जो है ना आपके इतना बिल्डअप कर देंगे, मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है बार बार फोन करने की, कर भी सकते हो फिर भी बार बार ये सर ये कवर करेगा या नहीं करेगा, देखिए कंप्लीट कवर करेगा, दिन रात मेहनत की हुई है, मतलब आपको मैं बता नहीं सकता, 2-2 बजे तक मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया और क्रीम दिया आपको, बिल्कुल क्रीम, मतलब क्या बताऊं, बस मुझे कोई पैसे कमाने का कोई मकसद नहीं है, फिर भी आपको एक क्रीम मिल रही है, एक इतनी अच्छी क्रीम मिल रही है ना जो कि मार्केट के अंदर नहीं मिलेगी किसी बुक अरियंत की, कहीं कहीं कैसी मर्जी बुक उठा के देख लो, वैसा मिल जाए ना तो मेरा कोर्स फ्री है, ठीक है ना, मैं बिल्कुल आपको कहता हूँ। तो 65 एंड 117 है, इज ऑफ द फॉर्म जो है ना 65 एम माइनस 117 है, इस फॉर्म के अंदर होना चाहिए इसका HCF, HCF इसका पता है आप निकाल सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या तो एक तरीका ये है जो भी होगा ना इन दोनों से आपस में मल्टीप्लाई, 5 से जाता है, 13 पे जा रहा है ये, 13 जो है आगे नहीं जा रहा ना किसी पे भी, तो सेम कॉमन 13 पे जा रहा, 13 इसका HCF आ गया, या अगर आप ना निकाल सको तो चुपचाप वही ट्रेडिशनल वे लगाना है, 65 आ गया, 7 में 5 के 2, 11 में से 5 आ गया, 52 आ गया, 65 ये वाला जो अंदर रख दो, 52 एकम 52, फिर से मेरा क्या आ गया, 3 आ गया और 1 आ गया, ठीक है, यहाँ 52 ये वाला फिर अंदर रख लो, 13 चौके 52, काम सिमट गया, ठीक है। जो लास्ट में आता है ना, क्या हो गया एक सेकेंड, समझ आ गई, जो लास्ट में आता है ना, 13 आया ना आपका लास्ट में, तो 13 जो है ना आया ना, ये मेरा आंसर होता है, यहाँ देखिए यहाँ भी 13 है, तो HCF में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी कि 13 आ गया, बट दिक्कत कहाँ थी, इसमें दिक्कत थी, इस फॉर्म के अंदर वो आना चाहिए, इस फॉर्म के अंदर आना चाहिए, तो भाई दिक्कत कहाँ थी, वही है। अब आप बोलोगे यार पेपर में ना क्वेश्चन तो सर आपने वो HCF अलग करवा दिया था, बट उठपटांग आ गया, इस फॉर्म में आना चाहिए, तो इस फॉर्म में लिख दो ना जो आया आंसर, इसी फॉर्म में लिख दो, इसी फॉर्म में आ जाएगा, 65 m इक्वल टू 117 वहाँ जाके होएगा, तो 130 बना देगा, m इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, 2 65 को डिवाइड करेंगे, m इक्वल टू 2, तो ऑप्शन नंबर जो मेरा 3 फिर से करेक्ट हो गया। देखिए जी 4 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 3 सारों में आंसर 3 3 3 है, ऑप्शन नंबर 3, ये देखिए ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन में कहाँ जान होती है, इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये जो कॉम्प्लेक्स वाला चैप्टर मैंने करवाया था आपको, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर में क्या था, ओमेगा मैंने करवाया था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा की पावर जो जब 3 होती है तो मेरा 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल टू 0 होता है, ये होता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, ओमेगा पूछ लेता है, या इसको अलग अलग ओमेगा और ओमेगा स्केयर भी मैंने आपको बताया था अलग अलग निकाल करके कैसे, -1, ठीक है, -1 प्लस √3 आयोटा अपन में 2 होता है, -1 -√3 आयोटा अपन में 2, ये कहाँ से निकलता है, 1 प्लस x स्केयर इक्वल टू 0, एक इक्वेशन होती है, इसको सीधा चारे मेथड लगा दो, -b + -b² - 4ac / 2a, ये सिद्धाचार्य मेथड होता है, TGT के अंदर डायरेक्ट पूछता है ये कि ये कौन सा मेथड है सिद्धाचार्य, इसको यहाँ पे लगाओगे ना तो ये कॉम्प्लेक्स रूट देगा ये वाला और ये वाला, इसे हम ओमेगा और ओमेगा स्केयर मान लेते हैं, दोनों की हम गुना करेंगे, ओमेगा क्यूब दोनों की गुना करते हैं तो 1 बनता है, सारा कंसेप्ट ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, मेन बात यही है, ठीक है, ये आपको भी पता होगा सभी को, ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये चीज आ गया, देन इनवर्स ऑफ ए निकालना, तो क्या बड़ी बात है, आपने प्लस टू के अंदर नहीं पढ़ा ये, कहते ग्रेजुएशन का सारा आ गया, कहाँ ग्रेजुएशन का आ गया, ठीक है ना,
कहाँ ग्रेजुएशन का आया, इनवर्स ही तो पूछा है। इनवर्स आपको पता है इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना, वन अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहेगी बट उन लेक्चर के अंदर इतनी स्पीड नहीं है जो मैंने 35 बनाया, इसको वही है ना करवाना है 60 और टाइम भी कम है और भी बहुत सारी डिफरेंशियल वगैरह सब चीज़ें पेड कोर्स के अंदर देनी है, वो पब्लिकली नहीं आएंगी यूट्यूब पे, तो इसीलिए मैं इसकी स्पीड थोड़ी तेज़ रख रहा हूँ आपको, वो ना वो 1.5 या 1.25 स्पीड नहीं करनी पड़ेगी यूट्यूब में, पहले से ही तेज चलेगा। तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का जो है मॉडुलस, मतलब कि A का डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, इसको ना ऐसे करो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, 1/1 है ना ऊपर कट जाएगा, R2 में लगाओगे R2 माइनस R1, R3 में लगाओगे R3 माइनस R1, क्या हो जाएगा यहाँ जीरो यहाँ जीरो, ये माइनस माइनस हो जाएंगे, तो कर करा के आपका A का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। उसमें मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि जो भी है, या इसको C1 पे लगा दो, इसको इससे जीरो कर दो, इसको इससे जीरो कर दो, और एक से ऑपरेट करके ना आप इसका डिटर्मिनेंट मेरा आ जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, A का डिटर्मिनेंट मेरा आया 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसका एडजॉइंट ऑफ A निकाल लोगे, एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, इसका एडजॉइंट ऑफ A आपको पता ही होगा निकालने का, इसका क्या होता है, इसका कोफैक्टर निकालो, उसका ट्रांसपोज कर दो, वही क्या होता है एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A जो मेरा आया वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ये ट्रांसपोज करने के बाद की है, ठीक है, आप करके देख लेना। अब इतनी छोटी छोटी चीज़ें मैं करवाने लग गया ना तो बस फिर हो गया बेड़ा पार, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, इतना तो पेन आपको चलाना ही पड़ेगा। ये मेरा एडजॉइंट ऑफ A आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, इसको वन अपॉन में ये रख दें, ये मैं साथ के साथ यहाँ पे रख रहा हूँ कि 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये मेरा A का इन्वर्स हो गया। ठीक है ना, एक सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही कैमरा है, जब मर्जी घुमा लो। ठीक है, तो क्या हो गया, A का इनवर्स 1 अपॉन में 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये सारा आ गया, ये A का इनवर्स आ गया। इसको अब अंदर भेज देंगे, यहाँ वन आ जाएगा, वन आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ क्या आ गया, 1/3 बार पड़ा रहा, 1 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये कैसे मैंने बनाए, यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई करोगे ना ओमेगा स्क्वायर माइनस वन, ये तो वन ही बन जाना है। ठीक है, यहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा मेरा, ओमेगा माइनस वन अपॉन में ओमेगा स्क्वायर माइनस वन, यही चीज आने वाली है ना, समझ आ गई। अब इसको जो है मैंने ये ओमेगा स्क्वायर लिख दिया मैंने डायरेक्ट, कैसे, आपको पता है कि ओमेगा क्यूब इज क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन होता है। यहां देखिए, या तो ओमेगा क्यूब यहां लगा दीजिए, वन को ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं ना, यहां पे मैंने क्या किया ओमेगा क्यूब लगा दिया। ठीक है ना, साफ नहीं दिख रहा ना, एक सेकेंड, तो यहां से ये मैं हटा रहा हूं। ठीक है, ये आपने देख लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से मैं ये हटा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे मेरा क्या आया है, वो ओमेगा कॉमन आ गया, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा कॉमन आ गया, ओमेगा माइनस वन, यही आ गया ना, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। यहां देखिए 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा माइनस वन, फिर से मैं या तो ओमेगा स्क्वायर पुट कर दूं या 1 माइनस ओमेगा को मैं यूज कर लूं, ये होता है मेरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होता है ना, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा माइनस वन या 1 को यूज कर लो, उधर जाके क्या हो जाएगा -ओमेगा -ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, या ओमेगा स्क्वायर को यूज कर लो, ओमेगा स्क्वायर को यूज करोगे तो -1 -ओमेगा आएगा, 1 -1 -ओमेगा अपॉन में ओमेगा माइनस वन। ठीक है, यहाँ ये आ गया 1 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस ओमेगा अपॉन में ओमेगा माइनस वन, ये चीज आ गई। ठीक है, कई बार तो क्या हो जाता है कि मैं पता चल जाता हूँ कुछ भी नहीं था, एम ही ज़्यादा बढ़ा रहे थे, तो ओमेगा माइनस वन है और डिवाइड किससे करना है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा से डिवाइड करना है ना, तो ऊपर क्या है ओमेगा माइनस वन ही पड़ा रहे हैं, तो नीचे ओमेगा कॉमन ले लो, ओमेगा माइनस वन ये कट जाएगा, तो 1 अपॉन में ओमेगा आ गया। ओमेगा कभी भी नीचे नहीं रखना, इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब मेरा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, तभी मैंने ओमेगा स्क्वायर लिखा। ठीक है, ऐसे आपको ये चीज मिल जाएगी, ये चीज मिलने के बाद आप क्या करोगे, ये चीज आ गई मेरे पास। ठीक है, आंसर ही आ गया मेरे को लगता है, हाँ ठीक है, 1/3, हाँ यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 95। ठीक है, आपको मिल जाएगा पेपर के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इंटर
एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन. कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे सामने, 2xy + 3x² y + 6y³, तो क्या दिक्कत होगी? इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या बड़ी बात होगी? 6y² dy = 0. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस टाइप से कुछ आ जाए ना, dx और dy में दिया हो, तब हमारे को ये ध्यान में रखनी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन. मैंने ये वाला अभी टॉपिक वैसे करवाना है, MdxNdy करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर यही आपने कर लिया तो. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ये टॉपिक है, MdxNdy. ये चीज होती है, m टाइम जो होता है वो dx होता है, n टाइम जो होता है वो dy होता है. मतलब ये सारा मेरा क्या होगा, n, m, और ये सारा क्या होगा, n. और इसके अंदर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम तभी बोल सकते हैं अगर करली x, ठीक है, अगर करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x के, तब मैं बोल सकता हूँ ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है. बट इसके अंदर ना आप करके देखना, जब करली m बाय करली y और करली n बाय करली x करके देखना, ये इक्वल नहीं आ रही है. अगर इक्वल ना आए तब आपको क्या करना है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो बोथ साइड ना ये दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दो म्यू एक्स से मल्टीप्लाई आप कर दो, ठीक है. म्यू एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ऐसे ही करली एम बाई करली वाई निकाल लो, करली एन बाई करली एक्स निकाल लो, दोनों को इक्वल रख दो. मतलब इक्वल नहीं आ रही थी तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट या कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद तो इक्वल आ ही जाएगी ना, इस टाइप की इक्वेशन है. तो वो क्या आएगा, वो म्यू एक्स आएगा, जो भी वो आएगा वो म्यू एक्स आएगा. बट बस यही है, वही क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है. इस टाइप से आप निकालते हो. वो एक इक्वेशन होती है ना, जैसे ये होती है dy/dx + py = q, इस टाइप से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकालते हैं ना, उस टाइप का भी क्वेश्चन आया होगा, वो भी मैं करवाऊंगा. e^pdx, फिर आप इसको कैसे लिखते हो, y(integrating factor) = q(integrating factor), ठीक है, इस टाइप से लिखते हो, वो भी क्वेश्चन आएगा. बट ये वाला जो है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया. तो म्यू एक्स से मल्टीप्लाई इसको किया, म्यू एक्स से मल्टीप्लाई इसको किया, उसके बाद इस सारे को करली एम बाई करली वाई किया, करली एन बाई करली एक मिनट हाँ करली एम बाई करली वाई किया और करली एन बाई करली एक्स किया. तो इसको जब मैंने म्यू एक्स से मल्टीप्लाई करके करली एम बाई करली वाई किया, और जब करली वाई करेंगे ना, याद रखना है वाई की टर्म ही डेरिवेटिव होगी, एक्स की टर्म ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट लेनी है, ठीक है. तो एक्स को कॉन्स्टेंट लिया तो 2y में क्या आ गया मेरा, 2x आ गया, क्योंकि वाई का डिफरेंशिएट क्या हो गया, इसके अंदर 1 हो गया. ऐसे ही इसका मेरा क्या आ गया, वाई का डिफरेंशिएट 1 3x², ठीक है. इसके अंदर क्या आ गया, 3 6 18y², कोई दिक्कत आई, इंटू में क्या है मेरा, म्यू एक्स, ठीक है, इंटू में क्या है मेरा, म्यू एक्स. और उसके बाद करली एन बाई करली एक्स किया, जब मैंने ये वाई में था तो म्यू एक्स है, तो इसका तो कुछ डेरिवेटिव होना ही नहीं है. अब इसके अंदर जो है एन का जब मैंने कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे मेरा क्या आया, 2x, वाई का तो 0 ही हो गया, ठीक है. ये n का कर रहे हैं, dy dx नहीं कुछ लेना, n का. इसके साथ म्यू एक्स क्या है, मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है. अब क्योंकि x है, क्योंकि x का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो म्यू एक्स का भी होगा, म्यू डैश एक्स इंटू में ये सारा का सारा, समझ आ रही है ना, ये सारा का सारा, ठीक है. ये चीज़ आ गई, इन दोनों को अब रख दो आप इक्वल. इक्वल रखने के बाद जो है हमारे पास, इक्वल रखने के बाद मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये आया, आप सोल्व करके देख लेना, 3μx इज इक्वल टू डी म्यू, एक दिन दीजिए मुझे, प्रॉपर सोल्यूशन आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डी एक्स, ठीक है. 3μx इज इक्वल टू डी यू डी म्यू अपन में डी एक्स आ गया, ठीक है. म्यू एक्स यहाँ पड़ा हुआ, डी एक्स यहाँ पड़ा हुआ, वही चीज़ बन गई ना, डी एक्स इधर ले आओ, इंटीग्रेशन तो आपने खूब किया, इज इक्वल टू डी म्यू एक्स अपॉन में म्यू एक्स. ये चीज़ आ गई, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो तब आपकी वैल्यू मिल जाएगी. यहाँ पे क्या आएगा, 3x, डी एक्स का इंटीग्रेशन 3x हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे म्यू एक्स का क्या आएगा, लॉग म्यू एक्स. कोई दिक्कत है, लॉग म्यू एक्स आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन यही होता है इसका. तो यहाँ से बोथ साइड में ई लगाऊंगा जब लॉग काटने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर ई की पावर 3x, बोथ साइड ई की पावर में ले गया मैं, यहाँ से लॉग कट के मेरा म्यू एक्स आ जाएगा. तो म्यू एक्स ही मैंने मल्टीप्लाई किया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, म्यू एक्स ही मेरे पास आ गया, क्या e की पावर 3x, यही मेरा होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो ऑप्शन नंबर जो मेरा रहेगा, ऑप्शन नंबर फिर से मेरा 3 आ गया, ऑप्शन नंबर 3 e की पावर 3x मेरा आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 का. चलिए क्वेश्चन नंबर 97 लेते हैं.
चीजें वही हैं, यूज वही होंगी, अब आपको समझ आ रही होगी यार ये तो कुछ भी नहीं था, आसान ही था। बट पेपर के अंदर जाके तो प्रेशर बहुत हो जाता है और आप ये सोचते हो पता नहीं क्या होगा। और जाके ना एक मेरी बस एक रिक्वेस्ट मान लो, मैथ मत करना कभी भी जाकर के, अपनी साइकोलॉजी, हिंदी, रीजनिंग, जीके, हरियाणा जीके, ये सब चीज़ें निपटा लेना पहले ही, ठीक है। मैथ जो करना हो ना उसके बाद करना लास्ट में, क्योंकि मैथ में अगर दो सम में आप अटक गए ना उसके बाद आपका माइंड जो है ना वो नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव होने के बाद आपको ये लगता है यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता, फिर सब कुछ ही नेगेटिव हो जाता है, फिर आपको वो साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन भी आते हुए भी फेल हो जाओगे, ठीक है। वो पूछेगा थ्योरी कोलबर्ग की, आप बताओगे आर्मस्ट्रॉन्ग की, वो पूछेगा थ्योरी चीन ब्याजे की, आप बताओगे थ्योरी स्किनर की, तो वो उन चीज़ों का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट है ए एक्स स्क्र टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्र प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन कह रहा है रिप्रेजेंटिंग ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। मैंने आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जब करवाया था मैंने आपको ये इक्वेशन बताई थी ना, ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस सी प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई, ऐसी इक्वेशन मैंने आपको बताई थी और सफियर की भी बताई थी। इसका सेंटर पूछ लेता है कई बार, रेडियस पूछ लेता है सफियर की, वो कैसे निकालते हैं, सर्कल की हाँ ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बताई थी, ये दो स्ट्रेट लाइन का पेयर बन जाता है तब ये आती है। तो मेरी ये मेरी आके आ गई यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये है पहला ऑप्शन, ये है दूसरा ऑप्शन जो S, ये S1 दिया हुआ है, ये S2 दिया हुआ है। S2 क्या दिया हुआ है, ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्र इज इक्वल टू जीरो। ये बोल रहा है कि ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है एंड पासिंग थ्रू द ओरिजन, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, अब ये भी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है ए एक्स स्क्र प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्र, बट इसके अंदर वो नहीं है एफ और जी, सोचिए एफ और ये वाले जी नहीं है, टू जी एक्स टू एफ वाई है यहाँ पे। इसका मतलब सेंटर जब मैं निकालूंगा सेंटर मेरे क्या आ रहे हैं, जीरो जीरो जीरो, इसका मतलब पास किससे कर रही है वो लाइन, कि जीरो 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 से मतलब ओरिजन से पास कर रही है। ये तो श्योर है, ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है और ओरिजन से पास भी कर रही है। केवीएस के अंदर पहला क्वेश्चन ही ये वाला आया था, उसके अंदर वो थीटा पूछा गया था, ठीक है। ये अभी मेरे पास पेपर ध्यान नहीं है, मेरे को वो ध्यान है, पेपर मेरे पास मिल नहीं रहा केवीएस का। यही ऐसा सेम यही क्वेश्चन दी हुई थी, उसके अंदर थीटा पूछा हुआ था टेन इनवर्स, ठीक है, टेन थीटा। तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो है आप देख लेना, बी बार लगा होता है और उस टाइप से, तो मैं ध्यान नहीं आ रहा, मैं करवा दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा विजय ही सेम क्वेश्चन। तो इसी में यही पूछ लेगा ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तो ऑप्शन में क्या दे दिया इसने, पहले ऑप्शन में दे दिया एस वन इज ट्रू एंड एस टू इज ऑलवेज ट्रू, तो दोनों ही ट्रू हैं, ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास कर रही है, ये भी आपको पता है। तो ऑप्शन नंबर वन मेरा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 में, ठीक है। करना कुछ भी नहीं, आप अभी तक जो भी क्वेश्चन किए हैं ना, कोई बहुत बड़ी राम कहानी नहीं है, छोटी सी है, थोड़ा सा पेन चलाना है और आपका पेपर सोल्व हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, इसके अंदर तो पेन भी नहीं चलाना। मैंने जब आपको बाइनोमियल करवाया था, बाइनोमियल में मैंने करवाया था वन प्लस जो एक्स होता है सारे की पावर एन होती है, टोटल जो सम होता है ना, सम जब भी पूछ ले तो एक्स को वन पुट कर देना बस, टू की पावर एन। वैसे भी आप देख सकते हो इसका क्या आता है, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, अप टू सो ऑन कर एन सी एन तक करते जाएंगे तो टू की पावर एन ही होता है इसका सम। अगर इसके अंदर ओड टर्म का सम पूछ लिया जाए तो टू की पावर एन माइनस वन मैंने आपको बताया था, इवन टर्म का पूछ लिया जाए टू की पावर एन माइनस वन मैंने आपको बाइनोमियल के अंदर क्लियर किया था। वही क्वेश्चन देखिए आया पड़ा, क्या पूछ रहा है, वन प्लस एक्स की पावर 50, तो क्या दिक्कत होगी, कुछ भी पूछता रहे 50 क्या, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पूछता रहे, चीजें तो वही रहनी है ना मेरी, क्या रहनी है। ये क्वेश्चन मेरा पूछा गया, इसने क्या बोला है, सम ऑफ, थोड़ी सी शाही मैं अभी भर रहा हूँ, सम ऑफ द कोफिशियंट, सम ऑफ द कोफिशियंट ऑफ ओड पावर ऑफ एक्स, ठीक है, सम ऑफ द कोफिशियंट ऑफ ओड पावर ऑफ एक्स, ओड हो चाहे इवन हो, फॉर्मूला वही टू की पावर एन माइनस वन लगता है ना सम के लिए, तो ठीक है, तो यहां पे वन पुट कर दे, टू, टू की पावर क्या आ जाएगा, एन माइनस वन, 50 माइनस 1, टू की पावर 49 लगाना था, आंसर ऑप्शन नंबर मेरा 3 है, ये वाला टू की पावर 49, बस भागना था। अब इसी में ही ना एस्टेट में जो पहले उलझा रखे हैं ना क्वेश्चन, वो ऐसे उलझा रखे हैं जैसे वन प्लस एक्स प्लस एक्स बाई 3 सारे की पावर 2100, ठीक है, 2100 मान लो 2101 या जो भी है,
छोटा ही मान लो, 98 मान लो, ठीक है। तो अब इसका सम निकालना है। अब ये आपने सर ये तो करवाया था, कुछ नहीं है, सम जब भी आ जाए x को 1 पुट करना है, 1 + 1 + 1/3, बस बात खत्म। 3 4 5, 5/3 की पावर 98, बस मेरा आंसर है। कुछ भी स्टेटमेंट देता रहे, एक्स स्क्वायर देता रहे, कुछ भी देता रहे, आपको यही चीजें करनी है, सम पुट करना है। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है, 1 + x + xy + y² सारे की पावर 2102, तब भी आपको 1 ही पुट करना है, सभी को 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4, सभी को 1 1, 1 2 3 4, 4 की पावर 2102 मेरा आंसर आ जाएगा इसका सम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले मैं थोड़ी शाही भर लूँ पेन में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है, कोस एक्स माइनस वाई कोस एक्स कोस एक्स प्लस वाई जो है आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर दिए हुए हैं, देन ये है हार्मोनिक, मैंने एपी जीपी आपको करवाई थी, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मैंने आपको बोला था एचपी का सम भी आ जाता है, एपी जीपी के ज़्यादा सम आते हैं, तो इस बार एचपी का सम पूछ लिया, तो क्या होगा एचपी मेरा क्या होता है, जब ए बी सी मेरे एचपी के अंदर है, एपी के अंदर बनाओगे बहुत टाइम लगेगा, डायरेक्ट एचपी का याद रख लो, एचपी के अंदर ही क्या होता है मेरा, b इज इक्वल टू 2ac / a + c होता इसका सम, ठीक है। यहां पे 3 है, यहां पे 2 होते तो मेरा क्या होता, एचपी अगर 2 का निकालते हैं 2ab / a + b। अक्सर क्वाड्रेटिक के अंदर मिला करके ना इस क्वेश्चन को पूछ लेता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, उसके बाद ऐसा बोल देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, तब आपको क्या करना है, दो रूट निकालने हैं, दो रूट की वो होता है ना सम ऑफ रूट्स यहाँ पुट कर देने और प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पुट कर देने, तब एच पी निकाल लेना, तब भी पजल नहीं होना, क्वाड्रेटिक के अंदर मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है। तो साथ साथ 3-3, 4-4 क्वेश्चन और तैयार हो रहे हैं और दिमाग के अंदर ना वो चीज़ें बैठ रही हैं कि हाँ भाई क्वाड्रेटिक से ऐसे क्वेश्चन पूछता है, एपीजीपी से ऐसे क्वेश्चन पूछता है, एचपी वाला क्वाड्रेटिक को मिलाकर के ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है और साथ में वो ट्रिग्नोमेट्री दे देगा साइन थीटा कोस थीटा, तो तीनों को मिलाकर के ऐसे क्वेश्चन वो पूछता है, ठीक है ना। तो उन चीजों में घबराना नहीं है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन जो है, ये चीज दी हुई है एचपी के अंदर, इसका मतलब कोस थीटा कोस एक्स किसके इक्वल हो गया, 2 टाइम cos x - y के और कोस एक्स प्लस वाई के। अब आ जाओ भाई, अब एच पी से सीक्वेंस सीरीज के चैप्टर से निकल कर अब बाहर आ जाओ, किसके अंदर इसको दोनों को प्लस कर देंगे, पहले तो ये फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 2 टाइम ac / a + b यही आता ना, फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब ना सीक्वेंस सीरीज के चैप्टर से निकल करके आप आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में वो क्या कहता है कि टू कोस ए कोस बी, यही है ना, 2 cos a cos b, और यहां पे cos c + cos d, मैंने आपको फॉर्मूले करवाए थे ना, sin c + sin d, cos c - cos d, चार फॉर्मूले थे, उसको याद करने का तरीका ये था, साइंस कंप्यूटर सेंटर सोशल सर्विसेज, ठीक है, ये जिसने किया हुआ आपको याद आ जाएगा, cos c प्लस cos की बात कर रहे हैं तीसरे की, यहां पे साइन प्लस के, यहाँ साइन माइनस के, कोस प्लस के, कोस कोस माइनस के, कोसी मतलब नीचे जो है, ऊपर मैं अभी नहीं लिख रहा, नीचे जो मेरा क्या आ गया, ये इसको फॉर्मूला क्या होता था, 2 cos c + d/2, इन दोनों को जोड़ेंगे y कट जाएगा, 2x / 2 xc आ जाएगा, cc मतलब cos दोबारा आएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो x कट जाएगा, y 2y / y, तो y आ जाएगा, नीचे तो मैं सोल्व कर बैठा, ऊपर की बात करते हैं, 2 cos और cos, ठीक है। आपने वो खूब फॉर्मूले किए, sin a + b, ठीक है, उसको क्या तोड़ते हैं, sin a cos b + cos a sin b, sin a - b, sin a cos b - cos a sin b, ऐसे ही cos का आता था, तो उन दोनों को जब जोड़ते हैं ना, तो एक बार cos का बनता है, एक बार sin का बनता है, चार फॉर्मूले वो बनते हैं, ठीक है ना, कहाँ गए वो फॉर्मूले, कोई बात नहीं, तो वो फॉर्मूले बनते हैं 2 cos a - b और cos a + b। सोचो ये कहाँ से बन रहा है, ये वहीं से आ रहा है ना, cos a cos b + sin a sin b, sin a sin b cos a cos b, उस टाइप से ये बन रहे हैं। तो देखिए ये चार फॉर्मूले हैं, 2 sin a cos b, जब आपका ये, आपको ये पता है sin a + b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b + cos a sin b, इसका sin a cos b - cos a sin b, तो माइनस वाले तो दोनों कट जाएंगे, 2 टाइम क्या मिला मुझे, sin a cos b, तो sin a cos b, ऐसे ही इस दोनों को, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तब ये मेरे पास ये बनेगा 2 cos a sin b। 2 cos a cos b क्या होता है, cos a + b cos a - b, यहां देखिए 2 cos a cos b, यही चीज बन रही है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos a + b, cos a + b, y कट जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, इंटू cos a - b, तो y मेरा रह जाएगा cos 2y, कोई दिक्कत आई,
कोस 2x कोस 2y, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मैं ऊपर जो है ना वो साफ कर रहा हूँ, अपने स्टेटमेंट देखनी है तो देख लेना, ठीक है। तो ये सारा का सारा मैं उड़ा रहा हूँ, यहाँ मेरा ये वाला आ गया, ठीक है। कोस एक्स इज इक्वल टू ये है, इसको इधर ले आएंगे, कोस एक्स है टू कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस वाई इज इक्वल टू ये क्या है, कोस टू एक्स प्लस कोस टू वाई आ गया। अब यहाँ देखिए कोस टू एक्स, मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में कि ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है कोस टू एक्स का। इसको चार प्रकार से लिखा जा सकता है, एक तो टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, एक वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, एक वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपोन में वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स, एक क्या लिखा जा सकता है और चौथा था कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है। मैंने बोला था चारों चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है, बार बार कहीं ना कहीं तो यूज हो ही जाएंगी, चाहे कोई भी चैप्टर का आप सम कर रहे हो। तो कोस टू एक्स को मैं अब क्या लिख सकता हूँ, टू कोस स्क्वेयर एक्स माइनस वन, क्योंकि कोस स्क्वेयर में सारा को सारा है, टू कोस स्क्वेयर एक्स माइनस वन, इसको टू कोस स्क्वेयर ज़्यादा जल्दी भी नहीं, टू कोस स्क्वेयर एक्स माइनस वन प्लस टू कोस स्क्वायर वाई माइनस वन, ठीक है। ये मैंने ले लिया, मुझे ना क्वेश्चन जब सामने आता है ना बस जल्दी जल्दी सोल्व करो। टू टू यहाँ से कॉमन आ गए, ये वाला टू पड़ा हुआ है, यहाँ से माइनस वन टू कॉमन आ गया, तो मेरा अंदर क्या बचा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई माइनस वन, ठीक है। यही चीज़ आ रही है, टू को टू से मल्टीप्लाई कर दें, टू से मल्टीप्लाई कर दें टू से, तो टू ये यहाँ तक कट गया, ठीक है। और यहाँ से देखिए क्या बचा मेरे पास, कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस वाई, कोई दिक्कत आई। अब यहाँ देखिए कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई माइनस वन बचा मेरे पास, ठीक है ना। कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर वाई जो है माइनस वन मेरे पास बचा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या आया, इसको मैं वहाँ ले गया, कोस स्क्वायर वाई माइनस वन है ना, उसको मैं इधर ले आया, तो वन माइनस कोस स्क्वायर वाई बन गया, यहाँ कोस स्क्वायर था यहाँ, इसको इधर ले आया, कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर वाई, तो कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, वन माइनस कोस वाई मेरा आ गया, ठीक है। उसके बाद वन माइनस कोस वाई को मैं लिख सकता हूँ टू साइन स्क्वायर वाई बाई टू, कैसे, वही फॉर्मूला वही है जो कोस टू थीटा वाला था, अभी टू कोस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ ना, यहाँ देखिए, ठीक है, वन माइनस टू साइंस के रेक्स। तो अब देखिए यहाँ से मेरा क्या बनाइए, जो अब मेरा वन माइनस कोस थीटा है ना, वन माइनस कोस टू एक्स को मैं क्या लिखता हूँ, वन माइनस कोस टू टाइम साइंस के रेक्स लिख सकता हूँ। यहाँ पे टू कोस एक्स है और यहाँ पे सिर्फ कोस है, तो यहाँ पे अगर कोस होता तो मैंने आपको एन वाला फॉर्मूला बताया हुआ कोस एक्स, तो वहाँ पे क्या हो जाता, टू साइन स्केयर एक्स बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने लगाई है, तो मेरी ये वाली आ गई टू साइन स्केयर वाई बाई टू। अब यहाँ पे साइन स्केयर है, यहाँ पे वाई है अकेले, यहाँ वाई बाई टू है, यहाँ बनाने के लिए अब आपको पता है टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स मेरे पास क्या होता है, टू साइन एक्स साइन टू एक्स, यही चीज़ होती है ना। यहाँ पे अब देखिए साइन टू एक्स होती है, और यहीं पे अगर मैं ये बनाना चाहूँ टू अगर ना ले हम, तो साइन एक्स बाय टू और कोस एक्स बाय टू, यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स हो तब मेरा क्या आ जाएगा, टू टाइम साइन एक्स बाय टू कोस एक्स बाय टू, टू अंदर जाके साइन टू एक्स बना देगा, साइन एक्स बना देगा, समझ आ रही है ना। टू टाइम अंदर जाके, जैसे ये टू टाइम अंदर गया तो साइन टू एक्स बनाए, टू अंदर गया तो साइन ये बनाएगा एक्स बना देगा। तो यहाँ से अगर इसका मैं स्केयर करूँ तो साइन स्केयर एक्स जो होता है, चाहे वाई ले लो इसके अंदर, साइन स्केयर वाई मतलब मेरा क्या आ गया, टू टाइम इसका स्केयर फोर साइन स्केयर एक्स बाय टू और कोस एक्स स्केयर कोस स्केयर एक्स बाय टू, जब वाई है तो वाई पुट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मतलब क्या आया मेरा, फोर टाइम साइन स्केयर वाई बाय टू और कोस स्केयर वाई बाय टू, समझ आ रही है, कोस स्क्वायर एक्स और टू टाइम साइन स्क्वायर वाई बाई टू, टू टाइम साइन स्क्वायर वाई बाई टू, साइन स्क्वायर वाई बाई टू यहाँ से होगा कैंसल, यहाँ से कोस था ये इसके नीचे आ गया, यहाँ से ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना। टू टाइम था, यहाँ से टू कटा तो ये टू आया मेरा, और यहाँ से यहाँ देखिए अब मैं आंसर के अंदर थोड़ा सा मैच करता हूँ, तो मेरे को पूछा क्या गया था, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कोस एक्स, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, कोस एक्स इंटू सीकेंट वाई बाई टू मेरा क्या आएगा, कोस एक्स इंटू सीकेंट वाई बाई टू मेरा क्या आएगा, कोस एक्स तो मतलब कोस एक्स ही पड़ा, कोस एक्स स्क्वेयर, इसको इधर ले जाओगे नीचे तो ये क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वेयर वाई बाई टू, ठीक है, वन बाई कोस सीकेंट होता है, इज इक्वल टू मेरा क्या है टू, स्क्वेयर स्क्वेयर है बोथ साइड रूट कर दो, तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, कोस एक्स इंटू सीकेंट वाई बाई टू इधर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू, ठीक है ना, प्लस माइनस, एक सेकेंड
प्लस माइनस रूट टू, मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये यही पूछा हुआ था, कोस एक्स इंटू सिकेंड वाई बाई टू, तो मेरा आंसर ये आ गया, ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर मेरा थ्री आ गया, प्लस माइनस रूट टू, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 90। देखिए अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, सिक्वेंस सीरीज का हमने चैप्टर किया, उससे ही पूछा गया, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में वो क्या बोल रहा है, एक मिनट कैमरा में सीधा कर लूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो मेरा क्या बोल रहा है, यहां देखिए कि वन इज ए ट्वाइस रिपीटेड रूट है, मतलब दो बार वन वन उसका रूट है। इक्वेशन क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन है। तब मेरा कौन सा सही होगा, ए इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू बी, सेकेंड ऑप्शन है, ए इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू माइनस बी, ऐसी थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे क्या इंटरेस्ट है, वन इज ए मेरे ट्वाइस रूट है, रूट है तो उसके अंदर पुट करूंगा तो वो वैल्यू क्या देगा, जीरो। एक्स को वन पुट किया यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो आ गया, यहाँ टू भी आ गया, ए प्लस डी इज इक्वल टू मेरा माइनस टू भी हो गया, मतलब ये चीज़ सेटिस्फाई करनी चाहिए जो ये दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन के अंदर ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है, डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी माइनस टू बी वहाँ पुट कर रहे हैं, तो ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू बी, सेटिस्फाई हो रहा है, माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस टू बी, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा इसके अंदर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। 100 का ऑप्शन नंबर टू मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इतने क्वेश्चन थे, देखो बस एक दो क्वेश्चन हैं ऐसे जो थोड़े से लेंथी हैं, बट वही है ना, उनको थोड़ा सा एक बार छोड़ दिया करो, अगले क्वेश्चन पे चले जाया करो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 101, इफ के इज कांस्टेंट दिया हुआ है के, एंड एक्स वाई प्लस के इज इक्वल टू दे रखा है कि ई की पावर एक्स माइनस वन का स्क्वेयर बाय टू, सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन वाई प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है ना, एक्स माइनस वन है ये मेरा दिया गया, देन के की वैल्यू मेरी निकाल लो, के की वैल्यू मेरी क्या आएगी, माइनस टू आएगी, माइनस वन जीरो या वन आएगी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन है, अब आप स्टेटमेंट देख लो, मैं यहाँ से ये हटा रहा हूँ, ठीक है। के कॉन्स्टेंट है, ये दिया गया, ये इसके इक्वल दिया गया, ठीक है, एक्स वाई प्लस के इज इक्वल टू ये सारा दिया गया, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको दिख रहा होगा ये किस टाइप की बन रही है, डी वाई बाय डी एक्स, एक्स को इसके नीचे ले जाएंगे, इसको इधर ले आके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन अपोन में एक्स इंटू में वाई पड़ा हुआ इज इक्वल टू एक्स, उसके नीचे ले जाएंगे तो एक्स माइनस, ये किस टाइप की इक्वेशन बन रही है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस पी वाई, मतलब प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाली इक्वेशन बन रही है। अब यहाँ पे पी जो है वो माइनस के अंदर ये सारा है, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल लोगे, उसके बाद इसको सोल्व कर दोगे, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा हुआ है, आप मैंने पीडीएफ भी भेजी थी डिफरेंशियल की, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का ही ये क्वेश्चन है, तो यहाँ देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा ई की पावर पी डी एक्स होता है, ठीक है, ई की पावर पी डी एक्स, पी जो मेरा है ये वाला सारा का सारा है, माइनस एक्स से एक्ट कटा तो एक्स आया सिंपल, ठीक है, माइनस प्लस मेरा आया वन, प्लस मेरा आया वन बाई एक्स, सारा का सारा ही आया ई की पावर पी डी एक्स, इसका डेरिवेटिव आप निकाल दो, ठीक है ना। इसका जब आप डेरिवेटिव निकालते हो, ठीक है, यही चीज आई, तो मेरा ये आया क्या असल के अंदर, वन बाई एक्स प्लस वन माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव लो एक्स आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव वही एक्स आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। तो तब यहां कर रहा हूं, कहां करें, यहां कर देते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e की पावर, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लॉग x, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, प्लस का x माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, इसको अलग अलग कर दो, लॉग इसको अलग कर दो, x आ जाएगा, e की पावर ये मेरा बच जाएगा टू टाइम x माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आएगा, मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, आंसर क्या आता है मेरा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, y मेरा y होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा ये आ गया, ठीक है, और इंटीग्रेशन क्यू मेरा क्या होता है, ये वाला जो बचता है, अभी कहाँ गया वो, ये यही था ना, एक्स माइनस वन अपोन में एक्स था,
मुझे याद ही है, ठीक है, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये सारा का सारा आ जाएगा, एक्स इंटू ए की पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा, एक्स से मेरा एक्स कैंसिल हो गया, ये चीज़ मेरी आई, ठीक है। इस चीज़ को जब मैंने सोल्व किया, गया अब तो सोल्व ही करना है यार, अब तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को जब मैंने सोल्व किया, वाई से एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये चीज़ मेरी आ गई, एक्स वहाँ चला जाएगा, ये चीज़ भी मैं वहाँ भेज दूंगा, ई की पावर यहाँ क्या रह जाएगा मेरा एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक है, इंटू में जो है जो मेरा रहने वाला है ई की पावर, ये सारा का सारा मैं उधर भेज दूंगा, ये इंटीग्रेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये वाला मेरा आ जाएगा। सोल्व करने के बाद आप सोल्व कर लेना, इंटू में ई की पावर यहाँ मेरा गया, माइनस बार ले लिया मैंने, एक्स माइनस वन का स्क्वायर बाई टू ले सकता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस टू एक्स आ गया ना, वही चीज़ आ रही है। तो उसके बाद यहाँ पे इधर मैं क्या ले जो है इधर मेरा क्या आ जाएगा, तो मेरा क्या आ गया एक्स वाई ई की पावर ये इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन सारे का स्क्वायर अपॉन में टू प्लस सी ई की पावर माइनस वन बाई टू। तो इसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ एक्स प्लस एक्स वाई प्लस यहाँ डिवाइड किया, तो इधर आके प्लस का वन बन जाएगा, बाकी ये सी टाइम ये वाला सारा का सारा रह जाएगा, ठीक है, ये सारा का सारा रह गया। अब यहाँ पे देखिए C1 है, C1 तो वैसे ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, तो मैंने इसको तो 1 ही मान लिया, ठीक है, इसके अंदर ऐसे मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो 1 है एक्स वाई प्लस 1 है, एक्स वाई प्लस के है, ए की पावर यही है, ए की पावर सेम का सेम है, इसका मतलब क्या आ गया k इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया 1, इससे कंपेयर किया तो k इज इक्वल टू 1, ये मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा 4 करेक्ट, ठीक है, 4 ऑप्शन है, एक जो है मेरा आंसर है k इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, पीडीएफ फाइल भी जल्दी नीचे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, उससे आप ना पूरा का पूरा सोल्यूशन देख सकते हो, ठीक है, यहाँ कई बार बोर्ड पे ना वो चीज़ें समझ नहीं आती, तो वहाँ आप पूरा का पूरा सोल्यूशन भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ मेरा क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ 102 में क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इफ क्या होगा यदि पाई बाय 4 से x जो मेरा है पाई बाय 2 के बीच में होगा, या मेरा 0 से x पाई बाय 8 के बीच में होगा, ऐसे चार ऑप्शन वो दे रहा है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले फंक्शन में आपको मैंने ये चैप्टर करवाया था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम भी करवाया था, ठीक है। तो इन चैप्टरों में मैंने क्या बताया था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले में इसका ना चुपचाप डेरिवेटिव कर दो, जो वैल्यू आती है उसको डेरिवेटिव को 0 रख दो, जो वो वैल्यू देगा उसके अंदर डेरिवेटिव के अंदर पुट करो, अगर वो 0 से बड़ी आई तो इंक्रीज कर रहा है, अगर जो 0 से छोटी आई तो डिक्रीज कर रहा है, अगर डायरेक्ट ही आ गई, ठीक है, तो वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब 0 से बड़ी, अगर नहीं आई तो इक्वल टू 0 रखना जरूरी है। यहां से क्या हो गया, 4 साइन का क्यूब एक्स इंटू साइन का कोस एक्स माइनस, क्योंकि कोस 4 कोस का आएगा साइन क्यूब एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव आपको पता ही है क्या होता है, माइनस साइन एक्स, इसीलिए माइनस पहले से ही मैंने लगा दिया, इज इक्वल टू 0, 4 कट जाएगा, साइन क्यूब ये सारा का सारा मेरा कॉमन आके क्या हो जाएगा यहां से साइन एक्स और कोस एक्स कॉमन आ गया मेरा, यहां पे मेरा क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया यहां पे कोस है ना, कोस एक्स का साइन एक्स हो गया, यहां पे मेरा आ गया कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। तो अब इस टाइप का कुछ होगा ना, तो 0 जब रखना है ना तो ऐसा नहीं सभी को 0 भेज देना, एक बार जो भी चीज़ है ना वही सेम की सेम ले लो, 4 साइन एक्स कोस एक्स कॉमन आ गया, ये सारा का सारा मेरा आ गया, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कोस 2x लिख सकते हैं, वही फॉर्मूला दोबारा से काम आ गया आपका। तो और इसको 2 टाइम, अगर 2 टाइम बना दूँ मैं 2 into 2, 4 को तोड़ दूँ, 2 साइन एक्स कोस एक्स को मैं साइन 2x लिख सकता हूँ यहाँ पे, साइन ऐसे ही जल्दी जल्दी पेपर के अंदर आपने करना है। तो इसको कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिखता हूँ, कोस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए अब साइन एक्स कोस एक्स है, बार 2 पड़ा हुआ है, इसको x मानो एक को, इसको भी x मानो, तो ये 2 अंदर आ जाएगा, तो साइन 2 into 2 4x इज इक्वल टू 0, मतलब ये 0 होगा, ये 0 साइन x थीटा होता कब 0 0 है, साइन थीटा एक तो 0 पे 0 होता है, एक पाई पे 0 होता है, फिर से दोबारा ऐसे घूम के आएगा तो 2π पे 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4x की वैल्यू मेरी क्या आनी चाहिए, 0, ठीक है,
पाई और 2 पाई आनी चाहिए 4x की वैल्यू, तभी तो वो जीरो देगा ना क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो। x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आया जीरो, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आया पाई बाय 4, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आया पाई बाय 2, यही तीन वैल्यू देगा। अब यही तीन वैल्यू इसके अंदर टेस्ट करनी है एफ डैश के अंदर, जहाँ वो जीरो से बड़ा दे देगा मैं बोलूँगा उस इंटरवल में वो मेरा फंक्शन क्या है इंक्रीज कर रहा है, क्वेश्चन मुश्किल है कहाँ। मैंने जीरो पुट किया तो जीरो आया, ठीक है यहाँ पे डायरेक्ट ही जीरो आ गया। जीरो से पाई बाय 4 के अंदर मैं टेस्ट करता हूँ क्योंकि इंटरवल की बात चल रही है, ठीक है डायरेक्ट कोई जीरो से पाई बाय 4 के बीच में मैंने पाई बाय 6 ले लिया मान लो, ठीक है कोई भी आप ले सकते हो पाई बाय 6, 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री यहाँ पे पुट किया जब मैंने ये जो एफ डैश है मैं सारा का सारा ही लिख देता हूँ। हमने क्या निकाला था फोर टाइम साइन एक्स इंटू कोस एक्स, नीचे अंदर क्या था साइन स्केयर एक्स माइनस कोस स्केयर एक्स, ही सारा था। अब पाई बाय 30 डिग्री यहाँ पुट करो, ये तो सारा पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है 30 डिग्री पुट करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा क्या दे रहा है साइन स्केयर 30 डिग्री, साइन स्केयर 30 डिग्री 0/4 1/4, 1/2 होता है तो 1/4 हो गया। यहाँ पे कोस स्केयर 30 डिग्री 4/4 3/4 मतलब √3/2 मतलब 3/4 हो गया इसका स्केयर हो गया ना ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या आया एलसीएम 4 आया, 1 - 3 माइनस के अंदर ही आ रहा है ना कहने का मतलब, तो मेरा क्या आ गया माइनस के अंदर ही कुछ ना कुछ आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा लेस देन जीरो हो जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन है ये जीरो से पाई बाय 4 के अंदर। अब क्या रहेगा सिर्फ आपका पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के अंदर, इसका मतलब अब टेस्ट कर लो पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के अंदर वो इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है तो ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा कि पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के अंदर वो इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103। चीजें वही हैं जो मैंने करवाई हैं आपको ना उसी के अंदर से आई हुई हैं, कोई ऐसा नहीं है कुछ बाहर से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए 103 वो क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा बीटा, बिल्कुल आसान तरीके से करवाऊंगा, अगला एक दो क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको करवा दूंगा। अल्फा बीटा जो है ना मेरे रूट है, ठीक है रूट है किसी एक इक्वेशन की, जो इक्वेशन है ना वो ये है, ठीक है। देन लिमिट वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ गया भाई, 1 - cos, अब ये लिमिट और क्वाड्रेटिक को दोनों को मिला करके ये क्वेश्चन इसने बनाया, ठीक है x माइनस अल्फा सारे का स्केयर, ठीक है वो ये बोल रहा है। अब करना क्या है अब आंसर आपको देना है। अब देखिए ध्यान से, अल्फा बीटा जो रूट है अल्फा पुट करेंगे तब भी जीरो आना चाहिए, बीटा पुट करेंगे तब भी जीरो आना चाहिए, यही सेम चीज़ यहाँ पे दी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ हमें लिमिट सोल्व करनी है, क्वाड्रेटिक के चक्करों में ज़्यादा नहीं बढ़ना, पड़ गए ना बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा फायदा नहीं बनेगा, ठीक है। तो लिमिट के अगर आपने क्वेश्चन को देखना है, लिमिट आपको पता है लिमिट का ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एल हॉस्पिटल जो रूल होता है ना उसी के बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है एल हॉस्पिटल रूल। तो इसके अंदर डायरेक्ट अल्फा पुट करोगे, नीचे अल्फा पुट करोगे अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा जीरो, ऊपर भी जो है अल्फा पुट करोगे तो ऊपर सोचो क्या आएगा वही चीज आ जाएगी, तो अल्फा माइनस अल्फा जीरो 1/0 इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी ना। तो अब इसका एल हॉस्पिटल रूल से मैं लगा सकता हूं, क्यों, क्योंकि अल्फा यहां पुट करेंगे तो ये क्या है एक रूट ही दिया हुआ है इसका, तो ये जीरो आ जाएगा। कोस जीरो क्या होता है 1 - 1 0 होता है और नीचे भी जीरो आ गया, 0/0 फॉर्म आ गई लिमिट कंटिन्यूटी एंड लिमिट कंटिन्यूटी के चैप्टर में। तो इसमें एल हॉस्पिटल लगा दूं ऊपर, माइनस कोस, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है प्लस का साइन, प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, ये सारा का सारा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लिखने का, साइन आ गया इंटू में इस अंदर वाले का डेरिवेटिव 2ax + b आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, अब कुछ भी नहीं, नीचे इसका डेरिवेटिव 2 x - α, अब फिर से वही कर रहे हैं अल्फा पुट कर रहे हैं तब फिर से 0/0 फॉर्म आ रही है। तब मैं आगे जाके फिर क्या करता हूँ, फिर से इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ, साइन का डेरिवेटिव करूंगा तो कोस टाइम ये सारा आ जाएगा इंटू में ये वाला दोबारा से फिर आएगा तो इसका स्केयर हो जाएगा 2ax + b सारे का स्केयर। समझ तो आ रही है ना, ठीक है समझ तो आ रही है। नीचे मेरा क्या, अब ऊपर और भी तो प्लस में आएगा, ये लगेगा तो ये वाला साथ में आएगा, ठीक है ये वाला अगर इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो ये एज इट इज पड़ा रहा, साइन टाइम ये सारा, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया
2a आ गया मेरा, ठीक है। नीचे सारे की मेरा क्या आ गया 2x, मतलब 2 मेरा आ गया नीचे, समझ आ रही है ना। अब मैं अल्फा पुट करता हूँ, लिमिट क्या थी मेरी, लिमिट क्या थी x टेंस टू अल्फा, अल्फा पुट करता हूँ, नीचे तो 2 ही रह गया, ऊपर अल्फा पुट किया यहाँ पे, ये सारा का सारा क्या था उसका अल्फा पुट किया, रूट मतलब 0, cos 0 1 होता है, यहाँ पे मेरा क्या आ गया 2 टाइम a अल्फा प्लस b सारे का स्क्वायर, ठीक है। इधर सारे का पुट करेंगे तो यही अल्फा पुट करेंगे, यही वही वही चीज, जीरो आ जाएगा साइन जीरो जीरो, सारा का सारा साइड में, मुझे इंटरेस्ट नहीं है सोल्व करने में, ठीक है। अब ये सारा आ गया, इसको आपने आंसर देना है। अब इसने आंसर में जो दिया हुआ है ना, इस टाइप से दिया हुआ है, तब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ए स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा माइनस बीटा सारे का स्क्वायर, इस टाइप से सारे आंसर दिए हुए, प्लस माइनस कुछ भी किया हुआ। अब ए स्क्वायर बाई 2 मतलब ए यहाँ से कॉमन में बाहर निकाल लेता हूँ, ए स्क्वायर बाई 2 ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे अंदर मेरा क्या आ गया 2 अल्फा माइनस बी बाई ए अपॉन में इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत आई अभी तक, यही चीज़ आ गई साथ में, ये चीज़ पढ़ी, अभी अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है, यहाँ से देखिए मैं क्या बना सकता हूँ, बी माइनस ए, यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट हैं, तब सीक्वेंस सीरीज वाले उसमें क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में आ जाइए, क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में क्या किया था हमने कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होंगे मेरे माइनस बी बाई ए, वही चीज़ तो कह रहा है वो, माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा ही पुट कर दो ना, क्या दिक्कत है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ही पुट कर दो, बट वो माइनस के थे ना, सॉरी एक सेकंड, माइनस के थे, हाँ तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का अल्फा माइनस का बीटा, ठीक है, माइनस का बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर बाय 2, 2 अल्फा माइनस अल्फा अल्फा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर जो था मेरा 1 इसका आंसर था, ठीक है। अल्फा ए स्क्वायर बाय 2 अल्फा माइनस बीटा, अब देखिए हमने क्या किया, लिमिट वाले चैप्टर से लेकर के लास्ट में बी और ए से आ गया था, वो हमने क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर से ये चीज कर लिया, ठीक है। तो इसका आंसर है मेरा फर्स्ट, ए स्क्वायर बाय 2 अल्फा माइनस बीटा सारे का स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व, ये क्वेश्चन ही रहूंगा भाई, ठीक है। अगला है इससे क्वेश्चन नंबर 105, अब देखिए ये क्वेश्चन है जो मैंने ना आपको डिफरेंशिएशन के जो वो क्वेश्चन भेजे हैं उसके अंदर डिट्टो क्वेश्चन कई ऐसे हैं जो एस्टेट पीजीटी 2018 जो 2019 का हुआ था उसके अंदर आए हुए हैं, ठीक है। जो पेड वाले हैं ना जिन्होंने लिया हुआ कोर्स उनको पता होगा, ठीक है। ये भी ऐसा ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, वहीं से उठा हुआ है। इसका क्या है, लिमिट पुट करनी है, यहाँ पे जब पुट करते हो तो 0 अपॉन में 0 फॉर्म बन रही है, इसका मतलब एल हॉस्पिटल ऊपर लगा दो, वाई टाइम एक्स की पावर क्या हो जाएगा, वाई माइनस वन, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई की पावर एक्स लॉग वाई, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है, जब ऊपर पावर हो नीचे वाई हो तब ऐसे आता है, एक्स की पावर एक्स है, एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है, जब आप करोगे तो वन प्लस लॉग एक्स देगा, एक्स की पावर एक्स बार वन प्लस लॉग एक्स करके देख लेना, वाई की पावर वाई है तो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट ही आ गया। अब मेरा आ क्या गया असल के अंदर, अब एक्स को वाई पुट कर दो, यहां नीचे क्या आ जाएगा, वाई की पावर वाई नीचे वन प्लस लोग वाई, ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, वाई टाइम वाई की पावर वाई माइनस वन माइनस वाई की पावर वाई लोग वाई, वाई की पावर वाई जो है वो मैं कॉमन ले लूँगा इसके अंदर, ये यहाँ भी पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ा है, सारी जगह से वाई की पावर पाई कट जाएगा, ऊपर मेरा क्या आ जाएगा, वन माइनस लोग वाई, यहाँ पे वन माइनस लोग वाई ही रह जाएगा ना, वाई की पावर यहाँ वन है, यहाँ पे माइनस वन है, वो कट जाएगी, वाई की पावर ये कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, वन प्लस लोग वाई, आंसर है आपका, बात खत्म, कुछ करना ही नहीं था। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 मेरा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 105 था, ठीक है। 90 से लगे हैं, 15 क्वेश्चन हमने कर लिए जो कि बहुत ही इजी लेवल के थे, क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 106 है मेरे पास, जो सेट मेरे पास सी है, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर है, तो सारे करेंगे क्वेश्चन, टेंशन मत लेना। तो देखिए यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स कुछ ना कुछ ऐसा दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है एक्स इंटू करली यू बाई करली एक्स, मैंने आपको करली वाले क्वेश्चन करवाए थे ना, डाइवर्जेंस कर्ल डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स वाले भी करवा दिए, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाले भी करवा दिए, ठीक है, और लीनियर अलजेब्रा सारा दो वीडियो के अंदर, दो घंटे की वीडियो है उसके अंदर सारा कवर करवा दिया, तो यही चीज़ें है ना ग्रेजुएशन लेवल की, और डिफरेंशियल थोड़ा सा रह गया ये आपको करवा दूंगा, तो सब चीज़ें करने के बाद ना प्लस वन प्लस टू का सारे चैप्टर करवा दिए, तो करने के बाद ना एक कॉन्फिडेंस आता है अंदर, ठीक है,
और कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल निकलते हैं, बस कॉन्फिडेंस अगर लो हो गया ना पेपर के अंदर तब क्वेश्चन में दिक्कत आई थी। अब कर ली यू वाई कर ली एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव है, ये भी पार्शियल डेरिवेटिव है, इसके अंदर वाई जो है कांस्टेंट रहता है क्योंकि एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, ये वाई कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट रहता है, एक्स और वाई से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों आंसर निकालना है। अब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ वन बाई टू पावर है, पहले पावर को तोड़ना होता है, साइन इनवर्स है उसको तोड़ना होता है, साइन इनवर्स को यहाँ ले जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा साइन यू, सारे का स्केयर कर देंगे तो पावर यहाँ से टूट जाएगी, इस सारे को इधर ले जाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा x की पावर 1 बाई टू प्लस वाई की पावर 1 बाई टू साइन स्केयर यू इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 बाई थ्री प्लस वाई की पावर 1 बाई थ्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो किसी को बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब ये इसका अब मैं डेरिवेटिव करता हूँ, करली यू बाई करली एक्स, यहाँ पे यू आ गया ना तो करली यू बाई करली एक्स मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे टू साइन यू इंटू कोस यू इंटू करली यू बाई करली एक्स, ठीक है, ये चीज अंदर ये सारा का सारा सेम पड़ा रहा, प्लस में क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव 1 बाई टू एक्स की पावर माइनस 1 बाई टू, वाई का तो जीरो ही हो गया, इनटू में साइन स्केयर यू, ये मेरा क्या आ गया करली यू बाय करली एक्स, ठीक है। अब ये निकाल लेंगे इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 बाई थ्री एक्स की पावर माइनस 2 बाई थ्री, डेरिवेटिव ही तो करना है, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। तो ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई सारे को किससे करना है, करली यू बाय करली जो एक्स आया उसको एक्स से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही करली यू बाय करली वाई निकाल लेंगे, यहाँ पे करली यू बाय करली वाई आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वही चीज़ आ जाएगी सेम की सेम, और यहाँ पे एक्स का अब डेरिवेटिव नहीं होगा, अब यहाँ पे एक्स का अर्थ है यहाँ वाई का आ जाएगा 1 बाई टू वाई की पावर माइनस 1 बाई टू, यहाँ पे अब वही चीज़ है एक्स का नहीं होगा तो वाई का आ जाएगा 1 बाई थ्री वाई की पावर माइनस 2 बाई थ्री, उसको किससे वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा वो मैं लिख रहा हूँ। अब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा पीजीटी मैथ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है, बस मेन मकसद था क्वेश्चन को करवाने का, मेन मकसद क्वेश्चन को सोल्व करवाने का जो होगा वो आपका खुद का रहेगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ आगे जाके मेरा क्या आ जाएगा, ये साइन टू यू एक्स करली यू बाय करली एक्स प्लस वाई करली यू बाय करली वाई इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया प्लस में साइन स्केयर यू अपॉन में टू इज इक्वल टू वन बाय में थ्री एक्स की पावर वन बाय थ्री प्लस वाई की पावर वन बाय थ्री अपोन में x की पावर 1 बाई टू प्लस वाई की पावर 1 बाई टू, ये चीज़ आ गई। ये चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरी स्टेटमेंट ही थी, ठीक है, पावर 1 बाई टू, ये यहाँ पे साइन u चला गया था वहाँ जाके, तो इसको मैं अब क्या वही स्केयर करके मैं साइन स्केयर u लिख सकता हूँ, इसको सारे को साइन स्केयर u लिख सकता हूँ, ठीक है ना, समझ आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरा ये चीज़ तो मैंने निकालनी ही थी, ठीक है, ये साइन टू यू आ गया, साइन टू यू को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे टू साइन यू इंटू कोस यू लिख सकता हूँ, यहाँ से साइन यू एक यहाँ से साइन यू से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पे क्या बचा एक्स टाइम करली यू बाय करली एक्स प्लस वाई टाइम करली यू बाय करली वाई, ये चीज़ आ गई इज इक्वल टू वन बाय थ्री पड़ा हुआ है, टू नीचे चला जाएगा तो वन बाय सिक्स हो जाएगा, ठीक है, वन बाय सिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो चीज़ बनी थी ना, एक सेकेंड, यहाँ ना ये चीज़ माइनस की आ रही थी कहीं, ठीक है, माइनस वन बाई सिक्स बन जाएगा, यहाँ साइन यू है यहाँ कोस यू है तो नीचे साइन यू अपन में कोस यू, मतलब टोटल टेन यू हो जाएगा आपका, ठीक है, टेन यू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे यहाँ भी तो चेंज होगा ना, एक सेकेंड, यहाँ ना एक चीज़ ये रहेगी प्लस साइन स्केयर यू था ना वो इधर आया था, ठीक है, तो यहाँ पे ये बना था मेरा वन बाय टू साइन स्केयर यू माइनस वन बाई टू वन बाई थ्री साइन स्केयर यू, यही चीज़ आई थी ना इधर, तो यहाँ ये टू माइनस माइनस वन बाई सिक्स साइन स्केयर यू पहले बनी हुई थी, माइनस वन बाई सिक्स साइन स्केयर यू, साइन एक साइन यहाँ से कटा था माइनस वन बाई सिक्स आया था, इनटू में ये टू और नीचे आ गया तो माइनस वन बाई ट्वेल्व साइन यू पड़ा हुआ है, यहाँ से ये कोस यू था वो नीचे आया था तो टेन यू बन रहा था मेरा, ठीक है, यहाँ से मेरा टेन यू बन रहा था माइनस वन बाई टू इंटू सिक्स साइन यू अपॉन में कोस यू, तो आप कर लोगे, कोई आसान ही है, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर मेरा फोर्थ आंसर आ रहा है, माइनस वन बाई ट्वेल्व टेन यू मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 107, चलिए क्वेश्चन नंबर 107 क्या बोल रहा है मेरे को कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, एक इक्वेशन दी हुई है, इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस क्या होंगे, तो क्या दिक्कत होगी, इसको उधर भेज दो पाई बाय टू के, तो मेरा क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है,
ये चीज़ आ जाएगी, और इधर जाके ये पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स क्या होता है, वही चीज़ जो सेकंड 92 क्वेश्चन के अंदर थी, साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू होता है, तो कोस स्केयर हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन का रूट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि साइन स्केयर से कुछ भी बनाना हो, कोस स्केयर बनाना हो, टेन बनाना हो, कोट बनाना हो, सेकंड बनाना हो या कोसेकंड बनाना हो, कोस स्केयर से कुछ भी बनाना हो, टेन स्केयर से कुछ भी बनाना हो, तब आपको डायरेक्ट बनाना है। वैसे तो मैं इसको सेकंड में लेके जाके बना सकता हूँ फिर अलग से, बट नहीं, टेन बनाना है ना दोनों साइड, तो इसको टेन बना दो, या टेन को कन्वर्ट करोगे थोड़ी सी दिक्कत होगी, कोस को जल्दी हो जाती है। कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स एक्स के, और टेन इनवर्स एक्स साइन बाय कोस होता है, सॉरी यहाँ पे क्या जाता वन माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है ना, तो यहां से इसी के इक्वल टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन बाय कोस, मतलब वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स होती है। यहीं से सेकंड इनवर्स एक्स अगर बनाना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहां से कोसेकंड बनाना तो इसका उल्टा हो जाएगा, कोट बनाना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने तो टेन ही बनाना है भाई, ज्यादा करना ही नहीं है, कोस इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स बनाएंगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस इस सारे का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस सारे का स्क्वायर पहले से रूट पड़ा हुआ, स्क्वायर हुआ तो ये एज इट इज का एज इट इज ही आ गया, ठीक है, समझ आ रही है ना। इसका क्या लगाना है, अब रूट लगाना है अपॉन में एक्स, मतलब ये सारा का सारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का रूट, क्यों, रूट पहले से दिया हुआ था इसीलिए। तो यहाँ पे वन से वन कैंसिल होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो वो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये किसके इक्वल आ गया, एक्स इंटू एक्स प्लस वन, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया क्योंकि रूट था, तो वहाँ क्या बचा मेरा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यही बचा। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, दो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी उसको मैं कर दूंगा सोल्व, ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एडिशन करने के बाद मेरा क्या बचा, या तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ही ले लो, ये कॉमन आ गया, यहाँ बचा वन प्लस वन बाय में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। थोड़ी सी प्रेजेंटेशन मेरी सही नहीं आ रही क्योंकि लिखाई थोड़ी सही नहीं है, थोड़ा सा जल्दी में हूँ। इसको इसके इक्वल रखा तो x इक्वल टू जीरो और माइनस वन आए, ठीक है, आप कर लोगे आसानी से। इसको इसके इक्वल रखा तब मेरा क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो आ रहा है मेरा। यहाँ देखिए ये मेरे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कीजिए, क्वाड्रेटिक के अंदर हमने पढ़ा बी स्क्वायर क्या आया, माइनस वन माइनस फोर ए सी, माइनस वन क्यों आया, बी वन ही आया ना, बी स्क्वायर क्या आया, वन आया, माइनस फोर टाइम इंटू टू मतलब एट, मतलब नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव जब भी आए तो मेरा रियल रूट नहीं, मेरे इमेजिनरी रूट बनते हैं, तो इससे तो कोई रूट मेरा रियल बनेगा नहीं, क्योंकि उसने साफ साफ बोल रखा है कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो दो मेरे क्या आए, टू मेरे रियल रूट्स आए, टू मेरे क्या आए, रियल रूट्स, तो ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ, ऑप्शन नंबर थ्री मेरा करेक्ट हो जाएगा, टू रियल रूट्स इसके आएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, मतलब उसकी ट्रिक तो मज़ा आ जाएगा आपको भी करने के अंदर, कोई भी उस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो उस ट्रिक से आप आसानी से कर सकते हो, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए एन इज इक्वल टू जीरो से पाई बाय फोर टेन की पावर एन एक्स डी एक्स, अगर ए टेन प्लस ए एट मेरे क्या आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे, 1 बाई एट आएगा, 1 बाई नाइन आएगा, 1 बाई इलेवन या 1 बाई थर्टीन, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ये पूछा गया, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करना आपने कैसे है, एक फॉर्मूला आप बस ध्यान में रखें, जब भी 0 से पाई बाय 4 दिया हो, 10 की पावर एन एक्स डी एक्स दिया गया हो, आपको क्या करना है, 1 माइनस एन माइनस 1 माइनस एन माइनस 3 प्लस एन माइनस 5 माइनस एन माइनस 7 ऐसे चलते जाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे, ठीक है, लास्ट में या तो आई 0 आ जाएगा या आई 1 आ जाएगा। आई 0 कब लेना है हमने, जब मेरा n इज इवन होगा, और i1 कब लेना है, n इज जब मेरा ओड होगा, ठीक है, ओड होगा, अब इवन होगा तब मेरा i0 आएगा, पक्का ही पता आपको, ठीक है, n इवन होगा तो i0 लेना, i0 का मतलब है पाई बाय 4 लेना है, और i1 का मतलब है मेरा क्या लेना है, 1 बाय 2 log 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन के अंदर अभी मैं जो करवाऊंगा ना तो सही समझ में आ जाएगा, ऐसा ऐसा आपको लेना है। क्वेश्चन देखिए, अब n ही दे दिया उसने, n दे दिया तो 10 दे दिया और 8 दे दिया, a n 10 पुट करूंगा तो 10 आएगा, यहाँ पे 10 आया तो यहाँ इस फॉर्मूलों के अंदर पुट कर दो, 1 माइनस 10 माइनस 1 9 माइनस 10 माइनस 3 7 प्लस 10 माइनस 5 5 वहाँ पे
थ्री वहां पे, फिर नाइन करेंगे तो प्लस का वन ही आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस का वन ही आ जाएगा। एन क्या है मेरा, इवन है ना, एन मेरा टेन आ रहा है, यहां भी इवन है, यहां भी इवन है, इसका मतलब पाई बाय फोर से वो करूंगा मैं, माइनस पाई बाय फोर आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलेगा, ठीक है, इन चीज़ों का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद एडिशन किसके साथ करना है, ए एट के साथ, आठ पुट करेंगे तो वन बाई में आठ माइनस एक सात, आठ माइनस पाँच, आठ माइनस तीन मतलब पाँच, आठ माइनस पाँच मतलब तीन, आठ माइनस सात मतलब एक, उसके बाद तो जाना ही नहीं, अगर आगे भी जाता तो एक एन बाय मेरा कितना आता, एट आता, ठीक, एट क्यों, पाँच और तो सात और तो नौ आया था, ठीक है, वो तो जीरो ही हो जाएगा, तो माइनस वन आ गया, एक मिनट, सात था ना तो आठ माइनस सात, हाँ वन आ गया। अगला क्या आएगा, पॉजिटिव आएगी टर्म, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पाई बाय फोर, क्यों, क्योंकि इवन था, इवन के मैंने ये दोनों गए कट, वन बाय थ्री से वन बाय थ्री कैंसिल, वन बाय फाइव से वन बाय फाइव, वन बाय सेवन से वन बाय सेवन, क्या बचा भाई, वन बाय नाइन, ये इससे कैंसिल, वन बाय नाइन मेरा आंसर है, आप लगा के भागते आओगे, ऑप्शन नंबर जो मेरा टू बिल्कुल करेक्ट हो गया, वन बाय नाइन, क्वेश्चन नंबर 108 एसटेट पीजीटी मैथमेटिक्स 2018, बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अगर कोर्स लेना है आगे भी, जैसे डीएसएसबी के एनवीएस के में, मतलब अच्छे से पीजीटी लेवल तो ऐसे समझो एक बार कर लिया ना, ये भी कर लिया ना सारे, ये जो 36 लेक्चर है और चार पांच और हैं 40 लेक्चर, पीजीटी मैथ कोई भी हो चाहे उसके बाद मतलब हो ही जाना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 109, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट पी क्यू आर बी ए राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है, मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ पी क्यू आर जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब 90 डिग्री पे है, ठीक है, पी मेरे पॉइंट दिए गए हैं 2 और 1, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आइसोसेल्स है मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, ये 90 है तो टोटल 180 होता है, ये मेरा 45 डिग्री होगा, ये मेरा 45 डिग्री हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को पेपर के अंदर सोल्व किया कीजिए। इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन क्यू आर इज, क्यू आर की इक्वेशन दी गई है मेरे सामने 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, देन द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लाइन पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर, इन दोनों की पेयर ऑफ इक्वेशंस निकालनी है, ठीक है, भारी भरकम सा क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन नंबर 109 है मेरे पास, आपके पास कोई हो, इसकी इक्वेशन निकालो, इसकी इक्वेशन निकालो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, उनको बोलो कि यही तो है पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। देखिए भाई, इसकी इक्वेशन दी गई है, इसकी और इसकी इक्वेशन नहीं है मेरे पास, इसके पॉइंट तो है ना, इसकी अगर मैं स्लोप निकाल लूं, अगर इसकी स्लोप निकाल लूं, तो ये थीटा दिया गया मेरे पास, टेन थीटा, टेन थीटा जब मेरा होता है तो मैं M1 माइनस M2 स्लोप का ये फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, निकालने का, टेन थीटा मेरा 45 डिग्री है, 45 डिग्री मतलब 1 होता है, या M1 माइनस M2, इसकी स्लोप मेरी कितनी है, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप फिर देखूँगा ना, इसकी स्लोप मेरी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो तो y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3 आ जाएगी, या माइनस 2 मेरी क्या आ गई यहाँ पे, स्लोप आ गई, तो माइनस 2 मेरी यहाँ पे स्लोप आई, तो मैं इसको ले रहा हूँ M1 प्लस 2 ले रहा हूँ, या माइनस 2 ले लो, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ऐसे ले लो M2, इसको माइनस 2 मेरी स्लोप ले लो, 1 माइनस 2 लिया ना तो माइनस 2 M1 आ जाएगी मेरी, कोई दिक्कत आई अभी तक, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है, यहाँ पे मेरी आ गई, इसको इसके इक्वल रख दो, इसको इसके इक्वल रखने के बाद जब मैं निकालता हूँ ना इसको, M की वैल्यू जो मेरी आ रही है वो आ रही है मेरी, इसको इधर ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3 और माइनस 1 बाय 3 मेरी M की वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आने के बाद इसका मतलब जो है, एक तो स्लोप ये वाली भी आ गई, ये वाली, क्योंकि ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी इसके साथ है, ये भी इसके साथ है, स्लोप तो वही है, अब स्लोप दोनों की आ गई, ये पता नहीं इसकी स्लोप ये है या इसकी स्लोप ये है, इसमें अगर मैं इक्वेशन निकाल लूँ तब मेरी क्या इसकी इक्वेशन बनती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसकी इक्वेशन यही बनेगी, बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर समझा रहा हूँ, वाई की इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसके पॉइंट क्या है, 2 और 1, इसकी स्लोप जब निकालूंगा उसके भी पॉइंट 2 और 1 है, कोई बात नहीं, इसके अंदर रखो वाई इज इक्वल टू 2, सॉरी वाई इज इक्वल टू 1 और 2 एक्स इज इक्वल टू रखना है, एम जो मेरा है 3 रख दो एक बार, प्लस सी, 6 आ गया, 6 वहाँ जाके सी इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया, एक इक्वेशन तैयार होगी, हमें नहीं पता कौन सी भी तैयार होगी, एक इक्वेशन कौन सी तैयार होगी, y इज इक्वल टू सी जब मेरा माइनस 5 है, m जब मेरा 3 है, 3x माइनस 5, एक इक्वेशन ये तैयार होगी, दूसरी इक्वेशन यहाँ से और तैयार कर लो, 1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 इंटू में x की वैल्यू
टू यहाँ से प्लस का सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टू बाई थ्री, उधर जाके सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन प्लस टू बाई थ्री, तीन और दो पाँच बटे तीन मेरा आ गया, ठीक है ना, क्रॉस चेक कर लेता हूँ, पाँच बटे तीन, ठीक है, सी वन या सी टू जो भी है, एक इक्वेशन मेरी यहाँ से आ जाएगी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, माइनस वन बाई थ्री है एम मेरी स्लोप है, एक्स मेरा एक्स ही है, ठीक है, प्लस सी मेरा ये है फाइव बाई थ्री, ठीक है, एक इक्वेशन मेरी ये आ गई, यहाँ से मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना थ्री को यहाँ से एक इक्वेशन निकाल दूंगा, थ्री वाई प्लस एक्स इधर आके एक्स हो जाएगा माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन मेरी ये आ गई, दूसरी इक्वेशन मेरी यहाँ पड़ी है वाई इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री एक्स, इसको भी इधर ले आओ ना, वाई माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन ही आ गई, दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, इन दोनों की, इसकी और इसकी, दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, मेरे पास इक्वेशन जो बनेगी ना वो आपका डायरेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि दो मैंने लाइनों की इक्वेशन निकाल दी, मेरा आंसर इसके अंदर क्या बन रहा है, ये बन रहा है थ्री टाइम एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स वाई माइनस ट्वेंटी एक्स माइनस टेन वाई प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू जीरो, बस समझ आ गई, समझ आ गई क्या करना था, ये चीज़ दी हुई थी, ये चीज़ दी हुई थी, इससे क्या इसकी स्लोप निकाली, इसके इसके इन दोनों की इसकी स्लोप निकाल सकता हूँ, टेन थीटा दिया हुआ है स्लोप फॉर्मूला से, ये मैंने इसकी दो स्लोप निकली तीन और माइनस वन बाई थ्री एम निकली, ये इसकी भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही पैंतालीस पैंतालीस हैं, दोनों से एक स्लोप से एक इक्वेशन निकाल ली, दूसरी स्लोप से दूसरी इक्वेशन निकाल ली, दोनों को गुणा कर दिया तो मेरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे आपने हैंडल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110, और टाइम भी बहुत हो चुका है, मुझे लगता है घंटा शायद हो चुका है, मुझे पढ़ाते पढ़ाते गला भी सूखने लग गया, पानी भी नहीं पिया, चलिए मुझे हाँ एक घंटा 14 मिनट हो गए यार। 110 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल, बिल्कुल सही बात है ये तो भाई, रूट टू भी इरेशनल है माइनस रूट टू भी इरेशनल है, दोनों को एडिशन करो, समी तो है ये, जीरो आ रहा है इरेशनल नहीं, ये तो रैशनल नंबर आ गया, इरेशनल नहीं आया, बिल्कुल सही, एस वन जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, एस टू स्टेटमेंट की अब बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इरेशनल, कोई जरूरी नहीं है कोई भी रूट टू इंटू रूट टू ले लो, एनी टू था तो टू आ गया तो रैशनल आ गया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरी रोंग है, फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर ए एंड बी, ए बाई बी इज इरेशनल, कोई जरूरी नहीं है, मान लीजिए मैंने ले लिया सिक्स रूट टू, सिक्स रूट टू मेरी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है, ये अलग है ये अलग है डिस्टिंक्ट है, दोनों को ए बाई बी भी किया तो सिक्स आ गया मेरा रैशनल, तो ये भी इरेशनल नहीं है, सिर्फ ओनली एस वन इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर मेरा फोर था, एस वन अलोन मेरा आंसर है। 110 मेरे 20 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, नेक्स्ट जो होगा शाम को मैं और करवा दूंगा 20 क्वेश्चन, फिर कल 20 क्वेश्चन और साथ साथ मैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो सब चीज़ें करवा रहा हूँ, अगर किसी ने अभी भी कोर्स लेना है तो अभी भी ले सकता है, उसको काफ़ी 5-7-10 नंबरों का तो बेनिफिट हो ही जाएगा, और सारी वीडियोज़ अगर देख देगा ना 4-5 दिन के अंदर तो टोटली ही बेनिफिट हो जाएगा, और आगे भी KVS NVS DSSB के जो चल रहे हैं इस सभी के अंदर ये वीडियोज़ जो हेल्प करने वाली हैं, घंटे घंटे दो दो घंटे की वीडियो आधे आधे घंटे की सारी वीडियोज़ मिला करके कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक सारे चैप्टर मैंने करवाए, बायनोमियल पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स डिटरमिनेंट सैटेलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज क्वाड्रेटिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन लिमिट कंटिन्यूटी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, ठीक है, और मैंने आपको क्या क्या करवा दिया, डेफिनेट इंटीग्रल इंडेफिनेट इंटीग्रल करवा दिया, वेक्टर करवा दिया, वेक्टर के कर्ल ग्रेडियंट वो वाली चीज़ें करवा दी, डायरेक्शनल ई रोटेशनल करवा दिया, सोलेनोइडल करवा दिया, ठीक है, LPPA कराया गया वो करवाता हूँ, स्टैटिक करवा दिया, 3D करवा दिया, प्रोबेबिलिटी करवा दिया, यार इतने तो चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है, अभी भी नहीं पेपर होगा तो कब होगा, ठीक है, अपने अच्छे से तैयारी कीजिए, मैं चाहता हूँ कि आपका 100% रिजल्ट रहे, जय हिंद जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।